पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज। ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 2 नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट। एट एनी टाइम टू एट एनी टाइम इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज पास 20,000 इन 2015 एंड 25,000 इन 2020 व्हाट विल बी द पॉपुलेशन। इन द ईयर 2025 तो मुझे निकालना है कि 2025 में कितनी पॉपुलेशन होगी। ये निकालो। मैं मान लेता हूं कि लेट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज पी। पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज पी एट एनी टाइम टी। अच्छा अगली क्लास बेटा 11:15 बजे स्टार्ट होगी। 15 मिनट लेट होगी, 11:15 से 12:15, क्योंकि सर को 15 मिनट आने में लगते हैं ना, तो 11:15 से 100 तो यही है ना। 5 मिनट के लिए मेरे साथ चलना है एट एनी टाइम टी। तो ये हो गया डीपी बाई डी टी इस प्रोपोर्शनल टू पी। भाई गिवन है ना प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट प्रेजेंट। तो डीपी बाई डी टी इक्वल टू केपी। तो यह आ गया डीपी बाई पी इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यह आ गया डीपी बाई पी इक्वल टू के डी टी। तो लॉग पी इक्वल टू के टी प्लस सी। लेट गिवन है आपका पी इक्वल टू 20,000 स्टार्टिंग में, मतलब टी इक्वल टू 0। 2015 को हम 0 ईयर्स मान रहे हैं स्टार्टिंग। तो ये आ गया लॉग 20,000 इक्वल टू सी। ये लिख देंगे लॉग पी इक्वल टू लॉग 20,000 इक्वल टू सी फर्स्ट में रख दो। यह आ गया लॉग पी बाय 20,000 इक्वल टू के टी। फिर आपका 5 साल बाद टी इक्वल टू 5 पर पी कितना हो गया भाई 25,000।
के की वैल्यू आ गई 1/5 लॉग 25/5/4, तो देयर फोर लॉग पी बाय 20,000 इक्वल टू 1/5 लॉग 5/4 इंटू टी। तो टी की वैल्यू आ गई आपकी, चलो ये छोड़ दो। फिर हम बोल रहे हैं लेट टी इक्वल टू 10, पी पॉपुलेशन इज पी, 10 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी हो गई, पी हो गई। अब इसमें रखना लॉग पी बाय 20,000 1/5 लॉग 5/4 इंटू 10, तो ये आ गया लॉग पी बाय 20,000 टू लॉग 5/4। तो टू लॉग 5/4 को मैं लिखूंगा लॉग 25/16, टू लॉग 5/4 को हम लिखेंगे, भाई पावर ऊपर चले गई, तो लॉग पी बाय 20,000 इक्वल टू लॉग 25/16, तो पी की वैल्यू आ गई 20,000 इंटू 25/16। इससे निकालो कितना आ रहा है, पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है, ये पूरा निकालो कितना आ रहा है, ऑनलाइन कितना आ रहा है, 20,000 इंटू 25/16 सर पी की कितना, वैल्यू 31250 आ रही है, 31250 आ रही है पी की थ्री वैल्यू। वन टू फाइव जीरो ये आपका पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर इन 2025, 2025 में ये इसकी पॉपुलेशन हो जाएगी। लीजिए चलिए लास्ट प्रॉब्लम, और ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। वो अब कल से हम क्या करेंगे वो देखेंगे। सर आपने ये टाइप के क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में तो दिए नहीं, नहीं दिए क्वेश्चन बैंक, अब तो ये सर कर लो। अगले ये टेस्ट में। वैसे वैसे ऐसी प्रॉब्लम आज तक आई नहीं, लेकिन कभी आ जाए तो आपको पता रहे, बस ये आज तक तो नहीं है, लेकिन ओके सर, ओके कहीं पूछ ले इसलिए मैंने कर रहा। सर, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कॉन्स्टेंट रेट, एट ए कॉन्स्टेंट रेट इफ इट्स इन इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट, फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर 3 सेकेंड, फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर 3 सेकेंड। तो रेडियस ऑफ बैलून निकालना है 3 सेकेंड के बाद। देखो इसने क्या बोला, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इन्फ्लेटेड एट ए कॉन्स्टेंट रेट, तो डीवी बाई डी टी इक्वल टू के,
दे रखा है डीवी बाई डी टी इक्वल टू के डी, तो डीवी इक्वल टू के डी टी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। डीवी इक्वल टू के डी टी, तो वी इक्वल टू के टी प्लस सी, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³ इक्वल टू के टी प्लस सी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए। 4/3 πr³ इक्वल टू के टी प्लस। इनिशियली रेडियस है 3 यूनिट, तो टी इक्वल टू 0 पे आर 3 यूनिट रख दो, तो सी का वैल्यू आ रहा है बेटा 36 π। सी का वैल्यू आ गया 36 π, रख दीजिए इसमें। फिर वेन टी इक्वल टू 3 सेकेंड आर इक्वल टू 6 रख दीजिए, 4/3 π 6 का क्यूब 3 k + 36 π, तो यह आ गया 216 288 π। 252 π, k इक्वल टू 84 π, तो ये आ गया 4/3 πr³ 84 π t + 36 π। 4 π सब में से कॉमन आ रहा है, तो r³ आ गया आपका 63 t + 27। सो व्हाट इज द रेडियस आफ्टर टी सेकेंड, 63 + 27 की पावर 1/5। ये पूछा था, 63 + 27 की पावर 1/5। यह है तो।